वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले खरबी साई बाबा नगर संभाग से मारपीट का मामला उजागर हुआ है, जहां एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को स्थानीय कुख्यातों ने पीटा। दरअसल यह विवाद 3 साल के बालक को आवाज लगाने से विवाद हुआ था, जिसने आक्रामक रूप ले लिया। यह वारदात बुधवार की रात वाठोड़ा के खरबी के साई बाबा नगर में हुई। जख्मी का नाम राहुल कामली है। पुलिस ने आरोपी अंकित सुधाकर घुंगे, कृष्णा तुलसीराम गुजर, कृष्णा विट्ठल राव उड़के और सुधाकर घुंगे को गिरफ्तार किया है। उनके 2 साथी फरार है। गौरतलब है कि जख्मी राहुल कामली पुराना अपराधी है। बुधवार की रात 9 बजे राहुल ने बस्ती में हंगामा मचाया। उस वक्त राहुल का 3 साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। बेटे को बुलाने के लिए राहुल आवाज देने लगा। अंकित को राहुल द्वारा उसे नागो नागो पुकारने का संदेश हुआ। अंकित और दूसरे आरोपी राहुल के पड़ोस में ही रहते हैं। उन्होंने पाइप, डंडे और ईंट से राहुल पर हमला कर दिया। इस हमले में राहुल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजनों ने उसे मेयो अस्पताल पहुंचाया। राहुल की पत्नी की शिकायत पर वाठोड़ा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस थाना वाठोड़ा के अंतर्गत कल रात 9 बजे के दरमियान एक किस्म है, जिसका नाम है राहुल नत्थू जी कामड़ी। यह दारू पी के बस्ती में आया और पहले खुद के घर पे उसने झगड़ा किया, फिर बाजू के घर में जाके झगड़ा किया और इसके ऊपर से गाली गलौज के ऊपर से और बस्ती के कुछ लोगों ने उसको मारपीट की। इस ऊपर से जो राहुल कामड़ी है, ये जख्मी हुए, उनको अस्पताल में ले जाया गया। उनकी प्रकृति स्थिर है, लेकिन ये घटनाक्रम के अनुसार पुलिस ने जो अपराधी है मारपीट करने वाले, इनके खिलाफ 307 राइट का मामला दाखिल कर दिया है। और तपास इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस घटनाक्रम के 4 आरोपियों को अटक कर दिया है। तो आगे का तपास भी चल रहा है। इसमें कृष्णा तुलसीराम गुजर, कृष्णा विट्ठल राव उइके, अंकित घोंगे और सुधाकर घोंगे, ऐसे 4 आरोपियों को अरेस्ट कर दिया है। इनमें से किसी के ऊपर भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है। जो इंजर्ड है वो पर्सन के ऊपर पुराने रिकॉर्ड है और वो बस्ती में थोड़ा हल्ला गुल्ला करता था, इसीलिए बस्ती के लोगों ने उसको मारपीट की, ऐसी जानकारी तपास में सामने आ रही है। वहाँ जो बाज बल्ली पड़ी थी जो बांधकाम की, वही बाज से और लोहे के रॉड से उसको मारा गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज़ नागपुर।